दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी बेयर के साथ एक न्यू फ्री क्रिप्टो वॉलेट का एयरड्रॉप शेयर करने जा रहा हूं। यहां पे बिल्कुल फ्री में आपको 10 एटीपी और टोकन बिल्कुल फ्री में प्राप्त होंगे। अल्टर प्रोटोकॉल का ये एयरड्रॉप है, न्यू क्रिप्टो वॉलेट का एयरड्रॉप है, बिल्कुल फ्री में। अच्छी खासी आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेफरल की भी इनकम होने वाली है। और साइन अप करते ही दोस्तों आपको 10 यहाँ पे टोकन प्राप्त होने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्द बहुत कम समय बचा है। अप्रैल में इस टोकन की लिस्टिंग होने जा रही है बिल्कुल फ्री में। जल्द से जल्द आप लोग यहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा रेफरल करेंगे तो अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। एक टोकन की वैल्यू दोस्तों $5 की रहने वाली है और आप लोग यहां पे 10 टोकन को अगर आप लोग क्लेम करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको $5 की इसकी वैल्यू रहेगी। 10 टोकन आपके पास होंगे तो अच्छी खासी आप लोग यहां पे अर्निंग कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है कैसे आप लोग यहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में दोस्तों आपके सामने हमने इनकी वेबसाइट को ओपन किया है। इसका साइन अप लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे रिवाज टेक GSM टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर दिए गए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको गेट द ऐप की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली आपने गेट द ऐप की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये गूगल प्ले स्टोर पर सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। 4.4 की इस वॉलेट की रेटिंग है, 19 MB का ये एप्लीकेशन रहने वाला है। तो सिंपली इंस्टॉल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने सिंपली यहाँ पे ओपन की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओपन की ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्रिएट ए वॉलेट की ऑप्शन और नीचे आपको इम्पोर्ट वॉलेट की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली आपने यहाँ पे क्रिएट ए वॉलेट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू वॉलेट क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट ए वॉलेट की ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चेक मार्क कर देना है। यहाँ पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट वॉलेट नाउ पर क्लिक कर देना है, इस वाली ऑप्शन पर। तो क्रिएट ए वॉलेट नाउ की ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोग यहाँ पे फ्रेज की कितना रखना चाहते हैं, 12 फ्रेज की या फिर 24। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा 12 फ्रेज की को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग 24 करना चाहते हैं तो 24 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 12 वर्ड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 12 फ्रेज की आपको देखने को मिलेंगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, कहीं पर सेव रख लेना है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसी के माध्यम से आप लोग अपने वॉलेट को यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो सिंपली इन फ्रेज की को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है। अब हम सिंपली नीचे की तरफ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो हमारे को 12 फ्रेज की यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे नंबर वाइज हमने सिलेक्ट करना होगा कौन से नंबर पर कौन सा वर्ड लिखा था, जैसे कि नंबर 1 पर क्या था, नंबर 2 पर क्या था, नंबर 3 पर, ऐसे करके आपने 12 फ्रेज की को यहाँ पे सीरियल वाइज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको यहाँ पे वेरीफाई सिलेक्शन की ऑप्शन देखने को मिलेगी, ये वाली। सिंपली आपने इन फ्रेज की को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई सिलेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यूअर वॉलेट इज रेडी टू बी यूज आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपने गुड की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गुड की ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो आपको 12 फ्रेज की प्राप्त हुए थे सिंपली लाकर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपने अपने वॉलेट का नेम क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मेन वॉलेट हो गया, 1, 2, 3, कुछ भी आप लोग यहाँ पे अपने वॉलेट का नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे फ्रेज की को एंटर कर दिया है, मेन वॉलेट हमने इस वॉलेट का नेम रख दिया है। अब हम सिंपली नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे को इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन देखने को मिलेगी, सिंपली इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। आपके सामने इस तरह की आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट में दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे एडॉप की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, एडॉप की ऑप्शन पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड की ऑप्शन देखने को मिलेगी, सिंपली आपने गेट स्टार्टेड की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड की ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे परमिशन को आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है, परमिशन को
अलाउ करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, यहाँ पे दोस्तों आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर वही पासवर्ड आपने रिटाइप पासवर्ड में डाल देना है। यहाँ पे रेफरल कोड आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग हमारे रेफरल कोड को एंटर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी माइनिंग स्पीड काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो सिंपली ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, ये वाली। सिंपली आपने साइन अप की ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा तो हमारा पास दोस्तों ये वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे लॉग इन प्राइवेट की आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपने इस लॉग इन प्राइवेट की को यहाँ से कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेना है। ध्यान रखना है दोस्तों कॉपी करने के बाद कहीं पर भी आपने इस प्राइवेट की को सेव करके रख लेना है। अब हम सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एंटर एक्टिवेट अकाउंट की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी आपकी ईमेल आईडी पर। दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है, आपको 6 डिजिट के यहाँ पे नंबर प्राप्त हुए होंगे जो कि आपने यहाँ पे एंटर करने होंगे। तो हम अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे को यहाँ पे कोड प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, इस कोड को आप लोग कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते, सिंपली इसको आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, आपने वहां पर नंबर को डालना होगा। जैसे कि हमारे सामने 37 34 24 है तो हम लोग फिर से यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग 37 24 34 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, फिल करने के बाद नीचे की तरफ सिंपली प्रोसीड की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, कंग्रेचुलेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लॉग इन नाउ की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, सिंपली आपने लॉग इन नाउ की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ पे आपका वॉलेट लॉग इन करने की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आपने सिंपली यहां पे फिर से आपने एडॉप की ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने गेट स्टार्टेड की ऑप्शन देखने को मिलेगी, नीचे आपको लॉगिन की ऑप्शन देखने को मिलेगी, ये वाली लॉगिन की ऑप्शन पर सिंपली आपने क्लिक करना होगा। लॉगिन की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पे आपने अपनी प्राइवेट की को पेस्ट कर देना है और सिंपली नीचे लॉगिन की ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा यहां पे सक्सेसफुली अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट यहां पे आपको केवाईसी का भी बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट में आपने यहां पे माइन की ऑप्शन पर क्लिक करना है, माइनिंग की ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आपको 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे 20 घंटे इनमें से किसी भी ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप लोग 4 घंटे की माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, 8 घंटे की, इस ऑप्शन को आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी यहां पे माइनिंग स्टार्ट हो जाती है, यहां पे हमारी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहां पे आपको जो आपका माइनिंग सीजन होगा यहाँ पे आपको क्लेम की ऑप्शन देखने को मिलेगी। माइनिंग के जो भी आपके टोकन होंगे यहाँ पे आप लोग उतने टाइम बाद आकर एक बार क्लेम करेंगे तो आपके टोकन यहाँ पे क्लेम हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी केवाईसी कैसे करनी है। उससे पहले दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं आप लोग यहाँ पे इनवाइट कैसे करेंगे। इनवाइट की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, इनवाइट की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रेफरल कोड आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका रेफरल लिंक देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छी खासी आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अब फिर से यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपने यहाँ पे केवाईसी कैसे करनी है। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की ऑप्शन देखने को मिलेगी, इसी ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट दोस्तों यहां पे यदि आप लोग अपनी केवाईसी कर लेते हैं तो आपको 10 ATPO टोकन आपको यहां पे बिल्कुल फ्री में रिवार्ड के प्राप्त होने वाले हैं। अब दोस्तों आपने यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, आपने यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मेल की ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहां पे इनके ट्विटर अकाउंट को आपने सिंपली यहां पे क्लिक करने के बाद फॉलो करना होगा। तो हम यहां पे क्लिक करने के बाद हम यहां पे ओपन कर लेते हैं ट्विटर हैंडल पेज को। यहां से सबसे फर्स्ट में हमने यहां पे फॉलो कर रखा है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे दोस्तों ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हमने ये टास्क को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन दोस्तों आपने इसके माध्यम से यहां पे इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है इसी का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। और फिर से वॉलेट को ओपन करने के बाद यहां से
हमने इस वाले टास्क को दोस्तों कंप्लीट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ट्विटर हैंडल पेज को फॉलो कर लिया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेंड करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। और नीचे की तरफ आपने इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेलीग्राम को आपने यहाँ पे ज्वाइन की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और फिर से यहाँ पे बैक आ जाएंगे, वॉलेट को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ट्विटर हैंडल पेज का, यहाँ पे आपने उस पिक्चर को अपलोड करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पे आपने सिंपली अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद अब दोस्तों आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपने ट्विटर का यूजर नेम पेस्ट करना होगा, यहाँ पे आपने टेलीग्राम की UID यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। वो आपको कहाँ से प्राप्त होगी वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको स्टार द बोर्ड देखने को मिल जाएगी इनके टेलीग्राम चैनल पे, इसी पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे आपने स्टार्ट की ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। स्टार्ट की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ID देखने को मिलेगी, ये वाली ID आपको प्राप्त हो जाएगी, इसी ID को आपने सिंपली यहाँ से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर से वॉलेट को ओपन करेंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है, यहाँ पे अपना ट्विटर का यूजर नेम अपलोड कर दिया है, यहाँ पे UID अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों हमने सिंपली यहाँ पे नीचे सबमिट डाटा की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है और आपको 10 ATPO टोकन यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। सिंपली आपने क्लोज की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे को यहाँ पे 10 टोकन प्राप्त हो चुके हैं एज ए साइन अप के बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों यहाँ पे माइनिंग के माध्यम से अच्छी खासी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे 10 टोकन तो हमारे को प्राप्त हो गए KYC के। यहाँ पे दोस्तों आपको माइनिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, माइनिंग करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टोकन आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अप्रैल में इस टोकन की लिस्टिंग होने जा रही है इनकी तरफ से, जो अपडेट प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिंग लगा होगा।